ग्रीक माइथोलॉजी सीरीज में हमने काफी दिनों से किसी डेंजरस क्रिएचर को डिस्कस नहीं किया है, तो चलिए आज डिस्कस करते हैं बर्ड वोमेन सायरन को, जिन्होंने एजेंसी के वाइन डार्क एक्सपेंसेस में तबाही मचा कर रखी। तो चलिए बिना कोई देर किए लेट्स गेट स्टार्टेड। अकॉर्डिंग टू एंशिएंट ग्रीक पोइट होमर, सिविलाइजेशन की पकड़ से सैकड़ों मील दूर एजेंसी के वाइन डार्क एक्सपेंसेस में, जहाँ ना कोई तो फ्लावरी मीडोज था और ना ही कोई फिशरमैन उन शोर्स पर काम करता था, विंडलेस वेव्स के साथ मेलोडियस सॉन्ग सुनाई देते थे जो अपने लिसनर को इमेंस नॉलेज प्रोवाइड करने का प्रॉमिस करते थे। बट एक्चुअल में ये वही डेडली मेलोडियस सॉन्ग्स थे जिन्हें अगर कोई एक बार सुन लेता था तो वो उसके ओरिजिन को ढूंढने के लिए इन सॉन्ग्स के पीछे चल पड़ता था। इस बात से अनजान कि आगे उसकी मौत सायरन उसका इंतजार कर रही है। सायरन क्रिएचर की स्टोरीज सालों से राइटर्स, पोइट्स और आर्टिस्ट को अट्रैक्ट करती आई है, बट आज इसका थोड़ा कंफ्यूज्ड फॉर्म समझ में आता है, क्योंकि आज इन्हें कनिंग मरमेड्स की तरह दिखाया जाता है जो अपनी ब्यूटी और सेक्सुअलिटी से हैंडसम मैन को उनकी डेथ की तरफ अट्रैक्ट करती है। बट एंशिएंट क्लासिकल ग्रीक्स इस क्रिएचर को बर्ड वोमेन की तरह रिप्रेजेंट करते थे, जिन्हें मेडिटेरेनियन कल्चर में हिडन नॉलेज से जोड़ा जाता था। ग्रीक माइथोलॉजी और आर्ट में इस क्रिएचर को लार्ज वोमेन्स हेड फीचर्स और स्केली फीट की तरह दिखाया जाता है, जो यूजुअली म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हार्प या लायर को बजाते हुए अपीयर होती है। फोकलोर में रिवर गॉड एकिलस और म्यूज को इनका पेरेंट्स माना जाता है, जिनसे इन्हें इनचेंटिंग वॉइस की एबिलिटी गेन हुई। सायरन्स को उनकी डेडली अपीयरेंस एक पनिशमेंट है जो कि उन्हें परसेफनी की मदद डीमीटर से मिली। दरअसल इन म्यूसिस को डीमीटर परसेफनी की सिक्योरिटी में लगाकर गई थी, पर जब हेडिस ने परसेफनी को किडनैप कर लिया और डीमीटर अपनी बेटी से नहीं मिल पाई, तब उन्होंने इन ब्यूटीफुल म्यूसिस को टेरिफाइंग सायरन्स में चेंज कर दिया, जिनका म्यूजिक ऑफ जॉयस मेलोडी एटर्नली सैड कॉलिंग फॉर परसेफनी बन गया। सायरन्स को लेकर सबसे पॉपुलर स्टोरी हमें होमर्स ओडिसी से मिलती है, जिसके हिसाब से सायरन सेला नाम के आइलैंड के पास रहती थी, जहां से ओडिसियस को भी पास करना था। पर ओडिसियस सायरन के बारे में जानता था कि वो कितनी डेंजरस है, इसलिए अपने मैन को सायरन्स के डेडली म्यूजिक से बचाने के लिए उसने उन्हें अपने कानों को वैक्स से ढकने को कहा, पर वो खुद इनके म्यूजिक को सुनना चाहता था, इसलिए उसने खुद को शिप के पोल से कसकर बांध लिया ताकि सायरन के म्यूजिक से एन्चेंटिंग होने पर भी उसकी बॉडी मूव न कर पाए। और ऐसा ही हुआ, जब ओडिसियस का शिप सेला आइलैंड से गुजरा तो सायरन्स उन्हें अपना निशाना बनाने के लिए आ पहुंची। ओडिसियस के मैन तो कुछ नहीं सुन पाए, पर ओडिसियस पर सायरन्स के म्यूजिक का जादू चल गया और वो बार बार भागने की कोशिश करने लगा। अच्छा हुआ कि अपनी समझदारी से उसने पहले ही खुद को बंधवा लिया, वरना वो सायरन के एन्चेंटिंग म्यूजिक को सुनकर जिंदा बचने वाला पहला इंसान नहीं होता। इससे एक प्रोफेसी भी जुड़ी थी कि अगर कोई इंसान इस डेडली क्रिएचर को सुनने के बाद जिंदा बच जाता था तो बदले में सायरन्स को डेथ को एक्सेप्ट करना पड़ता था। एक दूसरी स्टोरी जेसन एंड दी आर्गोनॉट्स में सायरन्स के डेडली म्यूजिक को ऑर्फियस अपने मेलोडियस म्यूजिक से चैलेंज कर देता है, जिससे जेसन भी अपने क्रू मेंबर्स को बचाने में सक्सेसफुल हो जाता है। तो दोस्तों, ये थी सायरन्स द बर्ड वुमेन, जिनकी अपीयरेंस तो ओवर द ईयर निम्फ से भी लेकर हार्पी तक चेंज हुई, पर इनका फियर आज भी सेलर्स में फील किया जा सकता है। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलती है अपनी अगली वीडियो पर। एंड प्लीज 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 सब्सक्राइब माय चैनल ताकि हम एक वंडरफुल कम्युनिटी डेवलप कर सके। तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।